नमस्कार दोस्तों, टिप टॉप टेस्ट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी लेकिन कुछ भी बनाने का मन नहीं हो रहा था। तो अंडे पड़े थे तो मैंने सोचा अंडे की क्यों ना नई रेसिपी ट्राई करते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करना तो बनता है। तो मैंने अंडे उबलने के लिए रख दिया है नमक डाल के। अब एक कटोरी लिया है, उसमें एक अंडा फोड़ के डाल दिया और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल के अच्छे से अंडे में मिला लिया है। और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स भी लिया है, लेकिन अगर आपको ब्रेड क्रम्स या फिर अंडे में नहीं कवर करना है तो आप यहाँ पे बेसन यूज़ कर सकते हैं। बेसन में अच्छे से कवर करके भी वो फ्राई हो जाता है। तो अंडे जितने उबले थे सारे के छिलके हटा लिया हमने और उसको ऐसे रिंग के शेप में काट लिया है। आप चाहें, अगर ऐसे नहीं काटना चाहें तो आप बीच में से भी बस दो पीस कर सकते हैं अंडे का, जैसे हम बॉईल करके खाते हैं वैसे ही। तो मैंने यहाँ पे रिंग शेप काटा है क्योंकि मुझे रिंग शेप ज़्यादा पसंद है। तो सारे अंडे को ही ऐसे काट लेंगे। अब फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें तेल डाल देंगे और थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर तक। अब अंडे का जो घोल बनाया था उसमें उसको डाल के और ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कवर करके फ्राइंग पैन में डाल देंगे। और हाँ, तेल जो है, जो फ्राइंग पैन में आपने तेल रखा है उसको धीरे ही आँच पे रखेंगे, धीमे ही आँच पे, क्योंकि तेज रहेगा तो ब्रेड क्रम्स जो ऊपर से आपने कवर किया है वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो आँच भी धीरे रहेगा और गर्म तेल भी पहले से अगर आपने गर्म करके रखा है तो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो सारे अंडे को ही ऐसे फ्राइंग पैन में डाल देंगे और थोड़ी ही देर छोड़ने के बाद बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखिए पूरा ब्राउन हो गया है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। तो इसको टिश्यू पे रख देंगे ताकि जितना एक्सेस ऑयल है वो सारा टिश्यू सोख कर ले। तो सारे को निकाल के ऐसे रख लेंगे और प्लेट में रख देंगे और ऊपर से मायनीज डाल देंगे, रेड सॉस, और अगर आपके पास रेड सॉस नहीं है तो केचप भी डाल लीजिएगा, और मरीच, जो काली मरीच होती है उसका पाउडर बना के उसे भी छिड़क लीजिएगा। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत अच्छी भी लगेगी, सभी को पसंद आएगी, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए।